खुल गई किस्मत आईटी सेक्टर की दोस्तों। जी हाँ, खुल गई किस्मत आईटी सेक्टर की। और आईटी सेक्टर में सबसे बड़े स्टॉक्स टीसीएस तो है ही दोस्तों, टीसीएस के बाद विप्रो, इंफोसिस और इंफोसिस के बाद टेक महिंद्रा के साथ आपको ड्रोन सेक्टर के स्टॉक्स, जो आपको मैं एक लाइन उसके लिए मैं बता दूं, करेगा कौन आतंकवादियों और देशद्रोहियों और घर में छुपे खुफिया, घर में छुपे भेदिया का खात्मा, उसका नाम है ड्रोन। जी दोस्तों, आतंकवादियों और देशद्रोहियों और घर में छुपे, घर के बगल में छुपाए कि करेगा खोज कौन, उसका नाम है भारतीय ड्रोन। और ड्रोन सेक्टर आने वाले समय में दोस्तों, उसके साथ साथ आईटी सेक्टर का खुल गया किस्मत का ताला, खुल गया किस्मत का ताला, उसका नाम है ड्रोन का बोलबाला। और ड्रोन सेक्टर और आईटी सेक्टर दोनों मिलकर ठाना है दोस्तों कि इस 2022 से के जाते जाते इन सभी को खात्मा करके और एक एक को चुन चुन कर, ढूंढ ढूंढ कर, चाहे 24 घंटा के बदले 25 घंटा काम करना पड़े, ड्रोन ने ठाना है कि अब देश में बैठे देशद्रोहियों और गद्दारों को घर से ढूंढ कर, और वो मछली का कांटा देखे दोस्तों, जिसे मछली वो ऐसे रहता है ना, वो उसको बोलते हैं एंकर, एंकर एंकर ऐसे नुकीला कांटा रहता है, उससे वो ढूंढ कर जो नहीं मिलने लायक है उसको भी ड्रोन ढूंढ कर निकाल के लाएगा दोस्तों। विप्रो, इंफोसिस और टीसीएस के बाद खुल गया किस्मत का ताला। डीसीएम श्रीराम, जेन टेक्नोलॉजी, पारस डिफेंस एंड एरोस्पेस, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये तो मैं आपको बता दिया दोस्तों, और असली बातें तो मैंने बता ही दिया। IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपको बोनस की बौछार इंडियन IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, बोनस की बौछार और डिविडेंड की लगातार बारिश करने वाले दोस्तों। बहुत जल्दी जितना हो सके खरीदते रहिए, 5 साल दोस्तों, 5 साल IRFC खरीदते रहिए और फिर देखिए बोनस और डिविडेंड की बौछार। तो कल भूलना नहीं, जितना हो सके खरीद कर रखना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।